अवैध रेत माफियाओं को प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं बचा है। आए दिन कार्यवाही होने के बावजूद भी प्रशासन को अंगूठा दिखाते हुए रेत खनन माफिया सक्रिय है और यह रेत माफिया आए दिन आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। पूर्व में रेत माफियाओं के झगड़े में नर्मदा तट ग्राम बड़दा में 3 लोगों की जान जा चुकी है। अब रेत माफिया मनावर तहसील के ग्राम उड़दाना में रेत खनन कर रहे हैं। लगभग 20 से 25 ट्रैक्टर प्रतिदिन अवैध रेत खनन के बाद परिवहन पर महंगे दामों में बेची जा रही है। खनिज विभाग निरीक्षक जगन भिड़े और उनकी टीम में 4 ट्रैक्टरों को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़कर पुलिस चौकी बांका में खड़ा किया। आगे की कार्यवाही जारी है, जन चर्चा है। क्षेत्र में नागरिकों ने बताया कि ट्रैक्टर तो प्रशासन हर 2-4 दिन में पकड़ता है, लेकिन अब तक राजसात की कार्यवाही नहीं हुई। राजसात की कार्यवाही होगी तभी ये रेत माफिया अवैध खनन को रोकेंगे। इस रेत माफियाओं ने नर्मदा तट को खोखला कर दिया है, जिससे बारिश के दिनों में दुर्घटना का भय बना रहता है। मनावर से लोकेंद्र दरबार की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? माइनिंग इंस्पेक्टर जगन सिंह भिंडे। आज दिनांक में क्या कार्रवाई हुई? ग्राम उड़दना में अवैध रेत परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस थाना बाकानेर में रखा गया है। ट्रैक्टर मालिक कौन क्या है? ट्रैक्टर मालिक का अभी नाम पता नहीं पता चला है, जो ड्राइवर लोग भग गए थे वहाँ से। कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि इसमें एक ट्रैक्टर फ्रेश है जिसके नंबर नहीं आए, क्या उसमें सत्यता? ऐसा ट्रैक्टर भी है जिसके नंबर नहीं आए, ऐसा भी है इसमें? नहीं, अभी 34 नंबर से हमने किया है कार्रवाई, तो पता चलेगा नंबर है कि नहीं। तीनों ट्रैक्टर किस ग्राम के? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।